तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं एंजल वन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है एंजल वन में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको डिस्कवरी में कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है, इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। लेकिन आपको करने हैं क्या, पैसे ऐड करने हैं। तो ये जो फंड का सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फंड के ऊपर जाओगे तो करंट फंड आपके पास कितने हैं ये आपको दिखाई देगा। अभी आप देख रहे हो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड यहाँ पे -22 रुपीज दिखा रहा है। मैंने बहुत दिनों से ये अकाउंट जो है वो यूज नहीं किया है और इसलिए वजह से ये जो फंड है ये माइनस में दिखा रहे हैं, क्योंकि AMC जो होती है वो कट होती रहती है। और अगर आप जीरो बैलेंस रखते हो, एकदम से अकाउंट आपका नील रखते हो, तो आपका ये जो AMC के चार्जेस है वो यहाँ पे माइनस में दिखाते हैं। तो इसीलिए ये अकाउंट जो है वो माइनस में दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें फंड ऐड करने हैं ताकि ये माइनस वाला अकाउंट जो है वो हमारा प्लस में दिखाई दे और हम इसमें ट्रेड ले सके। तो जैसे कि आप इस पेज पे देख रहे हो ऐड फंड और ऐड विड्रॉल फंड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। हमें क्या करना है, ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड फंड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करनी होती है। जितने पैसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उतनी अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे 500 रुपए ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे 500 रुपए कर दूंगा। और किस बैंक से आप पैसे ऐड करना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दो बैंक ऐड करके रखे हैं मैंने, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और एक HDFC बैंक है। अब दो बैंक मैंने लिंक किए हैं इसमें, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि कौन सा बैंक से मैं यहाँ पे फंड ट्रांसफर करूं। अगर एक ही बैंक आपका लिंक होगा तो एक ही बैंक यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसीलिए आप वो बैंक डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं जो पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ HDFC बैंक से करने वाला हूँ, इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे HDFC बैंक मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है। आप गूगल पे के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो, अदर UPI मेथड के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे जो एरोज है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। पहले हम देखेंगे नेट बैंकिंग को हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो बैंक है उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी एंटर करना होता है और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद वो जो पूरी नेट बैंकिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको 7 रुपए के चार्जेस लग सकते हैं, 7 से 10 रुपए के बीच में ये चार्जेस होते हैं। मैं मिनिमम 7 रुपए बता रहा हूँ और मैक्सिमम 10 रुपए के चार्जेस लगते हैं, प्लस GST अलग से आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, फ्री वाला मेथड यूज करेंगे। और फ्री वाला मेथड कौन सा है, UPI ट्रांसफर। UPI ट्रांसफर फ्री एकदम, आपको कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई भी यहाँ पे नहीं देने पड़ते हैं। तो हम फ्री वाला मेथड यूज करेंगे। तो इस पेज को हम क्या करेंगे, अभी क्लोज करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर UPI मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अदर UPI में आप फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हो, भीम UPI का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, फिलहाल तो मैं जीपे से यहाँ पे पैसे ऐड करूंगा, तो इस एरो के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर टैब में जीपे इंस्टॉल नहीं है, इसकी वजह से इंस्टॉल का ऑप्शन मुझे बता रहा है। तो ये भी मेथड हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, तो हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि और यहाँ पे UPI का मेथड हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ट्रांजैक्शन को कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, UPI मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आप जीपे का आपका जो UPI ID है वो भी एंटर कर सकते हो, फोन पे का अगर आपके पास UPI ID है वो भी एंटर कर सकते हो, या फिर भीम ऐप का जो UPI ID है वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। डायरेक्टली जीपे का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब इस टैब में जीपे नहीं था, इसकी वजह से हमने क्या किया, UPI के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे UPI ID एंटर करने के बाद प्रोसीड करना होता है, जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे UPI ID एंटर कर दिया है और इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अवेटिंग ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन, जो भी आपका UPI आप एंटर कर रहे हो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को आपके फोन में आपको अप्रूव करना है और अप्रूव करने के बाद आपका जो पिन है वो आपको उस एप्लीकेशन में एंटर करना है और उसके बाद ही आपका जो पूरा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है एंटर UPI पिन का, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वो नहीं आता है, तब तक आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। मेरे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है और मैं अब इसमें पिन एंटर करके पे कर रहा हूँ। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। कुछ सेकंड्स लगते हैं सक्सेस का मैसेज आने में।
जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है और हम फिर से एक बार फंड्स के इस पेज के ऊपर वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 477.29 इतने पैसे ऐड हो गए। अब आप कहेंगे 500 रुपए ऐड किए थे तो 477 कैसे ऐड हो गए, तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं हुए हैं। पहले ही हमारे अकाउंट में 22 रुपए माइनस दिखा रहा था, इसकी वजह से ये एडजस्ट होके 477.29 दिखा रहा है। तो इतनी आसानी से आप पैसे जो है वो एंजल वन के एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, और यूपीआई से करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको पूरी बात जो है, पूरी प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।